रहीम, मैं सुल्तानपुर एक प्रोग्राम में गया हुआ था, अभी शाम को वापसी हुई तो मुझे डीजीपी जो यूपी के हैं उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है उसकी मुझे कॉपी दी गई और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरान प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की गई है इसमें और उसको बहुत ज्यादा उसका इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है और उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि वहां उल्लंघन होता है और बदतमीजियां होती है, ये होता है, जबकि वो शोक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो, ये वो त्यौहार नहीं है। ये सिर्फ शोक शोक का त्यौहार है, इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाया जाता है। इसमें कोई उड़दंग नहीं होता, किसी की कसम कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरम तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, न पूरे यूपी में हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी पुलिस प्रशासनिक मीटिंग में शामिल न हो जब तक ये बयान, इस तरह के बयान जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल की गई है कि वहां पर यौन संबंधों के घटनाएं होती हैं और पता नहीं गौवंश वध होता है, वहां के ऊपर हम अपना खून बहाते हैं, वहां पर कौन सा वध होता है वहां पर? इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम टेंशन ही पैदा करने की कोशिश की है, तो शिया सुन्नी नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।